चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर की और इस वक्त की अगली खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं 10 साल पुराने ऑटो विक्रम बाहर होंगे। संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक हुई। इस बैठक में ये फैसला लिया गया है कि अब 10 साल पुराने ऑटो विक्रम को बाहर किया जाएगा, यानी कि ये ऑटो अब सड़क पर दिखाई नहीं देंगे। परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर मोहर लग गई है और अब फैसला ले लिया गया है 31 मार्च तक सड़कों से ये ऑटो विक्रम बाहर हो जाएंगे। सीएनजी की गाड़ियों का अब संचालन होगा, इनकी जगह पर 10 साल पुराने ऑटो विक्रम को बाहर कर दिया जाएगा। 31 मार्च 2023 तक सड़कों से ये ऑटो विक्रम बाहर कर दिए जाएंगे और अब इसके बाद फिर ये नजर नहीं आएंगे। तो 10 साल पुराने ऑटो विक्रम बाहर होंगे, डीजल से चलने वाले इन ऑटो विक्रम को बाहर किया जाएगा और इनकी जगह सीएनजी की गाड़ियों का अब सड़क पर संचालन होगा और ये अब दिखाई देंगी। सीएनजी गाड़ियां आप सड़क पर दौड़ती हुई नजर आएंगी 31 मार्च के बाद से। 31 मार्च 2023 तक ये ऑटो चलेंगे और इसके बाद इन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो डीजल से चलने वाले 10 साल पुराने ऑटो विक्रम को बाहर करने का फैसला ले लिया गया है। संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में ये फैसला लिया गया है। परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर मोहर लगी और इसके बाद अब ये फैसला हो गया है 31 मार्च तक सड़कों से ये ऑटो विक्रम पूरी तरह से बाहर कर दिए जाएंगे और इनकी जगह सीएनजी गाड़ियां संचालित की जाएंगी। तो देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डीजल से चलने वाले 10 साल पुराने ऑटो विक्रम को बाहर कर दिया जाएगा। 31 मार्च तक ही नजर आएंगे, लेकिन 31 मार्च 2023 के बाद सीएनजी गाड़ियां संचालित की जाएंगी, सड़कों पर सीएनजी गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आएंगी और इन डीजल से चलने वाले पुराने 10 साल पुराने ऑटो विक्रम को बाहर कर दिया जाएगा।